हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं बासमती चावल का खीर, और ये नारियल दूध डालना है। आगे दिखाता हूँ, नारियल कुछ पीस लिया और कुछ पीसना बाकी है अभी, और पीसना है। ये सारे डालना है खीर पे, और खीर का क्वांटिटी क्या रहेगा, चावल का क्वांटिटी क्या रहेगा। एक नारियल तो पूरा डाल दिया, और चावल चीनी का सारे क्वांटिटी आपको बता दिया जाएगा। खीर तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, पर नारियल वाला खीर का कुछ मज़ा ही अलग है। और गर्मी का मौसम आ गया, नारियल वाला खीर का खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और इसमें बादाम डाला जाएगा, काजू भी डाला जाएगा। दोस्तों हम नारियल तो पीस लिए, पीसने की बात ऐसे हुआ है एकदम दूध जैसे बन गई। और अब हम बादाम और काजू को पीसेंगे, ये भी इसमें ऐड करना है। और आगे दिखाते हैं, एक नारियल पूरा पीस लिया, इसमें 50 ग्राम काजू और बादाम मिक्स करके वो भी पीस के दोनों मिला के डाल दिया। डालने की बात ऐसे हुआ, आप देख सकते हैं। अब इसमें अब इसे खीर में ऐड करना है, और जब खीर में ऐड करूँगा तब आपको दिखाऊँगा। ये है बासमती चावल, थोड़ी देर के लिए हमने भिगो के रखा ताकि खीर एकदम सॉफ्ट बने। हमने डाला 1 किलो दूध, अब हम डालेंगे इसमें 250 ग्राम बासमती चावल। दूध हल्का सा गर्म हो चुका है, अब हम डालूँगा 250 ग्राम बासमती का चावल। हल्का सा नमक डाल दिया गया, और 5-6 दाना इलायची डाल दिया गया। अब हम लास्ट में डालेंगे चीनी, 250 ग्राम चीनी डाल दिया गया। ये 250 ग्राम चीनी, सीधा हिसाब 250 ग्राम चावल का साथ 250 ग्राम चीनी दिया जाता है। जितना चावल जाएगा उतना ही चीनी जाएगा। दूध अपना हिसाब से आप डालते रहिए, मैं तो 1 किलो डाला, आप चाहे तो 2 किलो डाल सकते हो, 1.5 किलो डाल सकते हो, और मैं तो 1 किलो डाला। नारियल पूरा, एक नारियल पूरा डाल दिया पीस के मिक्सी मशीन में। 50 ग्राम काजू और बादाम मिक्सी में पीस के वो भी डाल दिया गया। सिंपल तरीके से खीर बन चुका है, अभी थोड़ी ही देर में मतलब बन जाएगा ये खीर। पूर्ण रूप से बन चुका है, अब इसे हम खाने का आनंद लेंगे।